डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एग्जाम्पल के ज़रिए बताती हूँ। टीवी का रिमोट है, यू प्रेस अ बटन टू इंक्रीज द वॉल्यूम, राइट? बट यू मे नॉट नो हाउ दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय प्रेसिंग जस्ट अ बटन। सो आपको क्या शो हो रहा है? आपने बटन प्रेस किया, वॉल्यूम रेज हुई, पर वो किस तरह से रेज हुई, यू डोंट नो। मतलब आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता है कि इस बटन को प्रेस करने से आपकी वॉल्यूम रेज हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। आपको ये नहीं पता कि इसकी वर्किंग क्या है, वो आपको दिख नहीं रही, आपको शो नहीं हो रही, आपको पता नहीं है। सो ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज जस्ट लाइक दैट। इट मीन्स शोइंग द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड इग्नोर द डिटेल्स और इम्प्लीमेंटेशन। डिटेलिंग को इग्नोर करके सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन उस डेटा की एक आउटसाइड वर्ल्ड को दी गई है, शो की गई है, पर उसकी जो डिटेलिंग या फिर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो शो नहीं की गई, दैट्स नॉट रिप्रेजेंटेड। ओके, सो वी कैन यूज डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन C++ यूजिंग क्लासेस। क्लासेस को यूज करके हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी। सपोज यू हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाने में क्या आप ध्यान रखते हो? कॉस्ट, वेट, विड्थ, हाइट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए एट्रीब्यूट्स। इन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, वी इंश्योर अबाउट इट्स कॉस्ट, वेट, विड्थ, हाइट एंड एक्सेट्रा। सो वी नो दैट देर आर सम फंक्शंस विच विल ऑपरेट ऑन दीज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इंडिविजुअली कॉस्ट, वेट, विड्थ, हाइट किस तरह से एक्ट करेंगे? ठीक है, उन्हें ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। तो क्या करेंगे, एट्रीब्यूट और उसके फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस जो ऑपरेट करेंगे इन एट्रीब्यूट्स पे, इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, यानी कि एक यूनिट में डाल दिया जाएगा या ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करेंगे एक साथ वो एसेंशियल प्रॉपर्टीज जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में मदद करेंगी। ठीक है, एट्रीब्यूट और फंक्शन रिक्वायर्ड हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे इन्हें कहा जाएगा डेटा मेंबर्स, और ये जो फंक्शंस जो ऑपरेट करेंगे इस एट्रीब्यूट पे उसे कहते हैं मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन जब ग्रुप टुगेदर हो जाए एक यूनिट पे, तो उस यूनिट को क्या कहते हैं? क्लास। सो बेसिकली क्लास ब्लूप्रिंट होती है डेटा का, और ये क्या होती है? कलेक्शन होती है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन की। एंड जो प्रोडक्ट हमने बनाना है इस क्लास में जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है उससे, उस प्रोडक्ट को कहेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो मेंबर फंक्शन क्या हुआ है? द फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द डेटा मेंबर्स। जो डेटा मेंबर हुए वो क्या हुए? द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन एनी क्लास बाय यूजिंग एनी फंक्शनल डेटा टाइप, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, एक्सेट्रा। हम लिखते हैं ना प्रोग्राम में इंट एक्स, तो जो इंट हुआ ये हुआ डेटा टाइप, एक्स हुआ हमारा डेटा मेंबर हुआ। समझ आया? ठीक है, या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप जैसे कि एरे, पॉइंटर, मतलब कि इंट एक्स, इंट स्टार पी। ये जो स्टार पी है ये बताता है कि पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर पे हमने क्या किया, पी इज इक्वल्स टू एंड एक्स। ये जो एंड होता है इसका क्या मतलब होता है? एड्रेस, या फिर कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है, इन्हें कहते हैं डेटा मेंबर। ठीक है, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड होते हैं क्लास में कोई भी फंक्शनल डेटा टाइप की मदद से, या डिराइव्ड डेटा टाइप जैसे एरे, पॉइंटर हो गए, या फिर एनी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है, जैसे कि क्लासेस हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, कुछ भी स्ट्रक्चर, क्लासेस, ये सब यूजर डिफाइंड है। ठीक है, ये हुआ हमारा डेटा मेंबर्स। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसे कहते हैं? हमने अभी क्या क्या पढ़ा? यही पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, इसका एग्जांपल जैसे इंट एक्स। तो जो इंट क्या है, ये डेटा टाइप है। अब हम एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। फीचर है ऊप्स में डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जो क्लास के अंदर जो भी हम डेटा मेंबर लिखते हैं,
ठीक है, तो उसका एक डेटा टाइप होता है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा, वाइल क्लासिफाइंग अ क्लास वो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन एक्सप्रेस करते हैं कोड में, ठीक है। क्लास क्या है, कलेक्शन है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन की, मगर जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो जो इसमें जो बिल्ट इन डेटा टाइप हो गए जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट हो गए, एंड जो डेटा मेंबर हो गए इन दी क्लास, वो इग्नोर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ऑलराइट, सो जो डेटा, अगर हम इंटरफेस जो होता है, डेटा का जो इंटरफेस होता है यानी कि जो विजिबिलिटी होती है, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए टू दैट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जब कोई भी यूजर डेटा इंटरफेस करते हैं, ठीक है, और अगर जो प्रोग्रामर होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी चेंज करता है, तो डेटा इंटरफेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट इन द सेंस कि उसे किसी तरह का कोई डैमेज या हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इस तरह से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन यूजर को शो करता है जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, और बाकी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं शो होती, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए अगर प्रोग्राम में आपकी कोई एरर, मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम ना आए, तो बेटर होता है प्रोग्रामर्स के लिए अगर आप डेटा इंटरफेस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग करते हो। ऑलराइट, सो ये रहा आपके सामने एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे लैपटॉप पर। सो एग्जीक्यूशन से पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दी प्रोग्राम। सो वी वेरी वेल नो अबाउट हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, आईओ स्ट्रीम इज एन हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस का भी हमें मालूम है कि नेम स्पेस एसटीडी इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। ऑल राइट, क्लास सैम्पल, अब क्लास क्रिएट की सैम्पल नेम रखा, पब्लिक पब्लिक असेस स्पेसिफायर है। असेस स्पेसिफायर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर बस इतना समझ लीजिए कि इस पब्लिक असेस स्पेसिफायर का यूज करके इस असेस स्पेसिफायर को, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक असेस कर सकती है। हमने फिर एक फंक्शन लिखा void val val then brackets, okay। इन सबको फॉरवर्ड करने से पहले एक बात बताती हूँ, अगर आप यहाँ पे पब्लिक असेस स्पेसिफायर नहीं लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्राइवेट माना जाएगा। असेस स्पेसिफायर क्या होता है, वी विल कवर इट लेटर, ओके। सी आउट, सी आउट कौन सी स्टेटमेंट होती है जो हमारे कंपाइलर पे शो होगी, सी इन जो यूजर इनपुट देगा, ठीक है। सी आउट हमें, हमने लिखा एंटर टू वेरिएबल्स देन ई एन डी एल। ई एन डी एल क्या होता है, मींस एंड ऑफ द लाइन, और ये वाला कौन सा ऑपरेटर होता है, इंसर्शन ऑपरेटर। ई एन डी एल मींस एंड ऑफ द लाइन, दिस मींस इंसर्शन ऑपरेटर, दिस मींस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो यूजर वैल्यू डालेगा एक्स की फिर वाई की। नाउ अनदर फंक्शन void sum, सी आउट सम ऑफ टू वेरिएबल्स आर, देन अगेन इंसर्शन ऑपरेटर x प्लस वाई। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डबल कोट्स, मतलब ये जो लाइन होगी ये एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे हमने डबल कोट्स नहीं यूज किए, मतलब कि ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है x प्लस वाई, मतलब इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसे x प्लस वाई परफॉर्म करना है, ठीक है। x प्लस वाई की, x की वैल्यू यूजर देगा, y की वैल्यू यूजर देगा, और यूजर देगा वो कैसे देगा, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन डाली एंटर टू नंबर्स, उसके बाद हमने फंक्शन डाल दिया कि जो भी यूजर नंबर x y में एंटर करेगा वो क्या होंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सो इंट मेन, मेन फंक्शन में सैम्पल जो क्लास थी इसको ऑब्जेक्ट एस क्रिएट किया गया। अब जब भी हम अपने क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम डॉट का यूज़ करेंगे, एस डॉट वैल। पहला फंक्शन था वैल, दूसरा था सम। अब इनके बारे में हमने लिखा हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन क्लास में, तो वहाँ हमने नहीं लिखी। देन रिटर्न ज़ीरो, अब इंट डेटा टाइप यूज़ किया है तो उसकी रिटर्न वैल्यू भी आनी चाहिए, सो रिटर्न ज़ीरो। देन दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नाउ इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी,
लेट अस सी दैट ऑन आवर लैपटॉप। सो ये है हमारे पास हमारा प्रोग्राम। सो हमारे पास आ गया एंटर टू नंबर्स। सो आई एंटर माय फर्स्ट नंबर 78 एंड अनदर नंबर लेट इट बी 90। देन अगेन एंटर एंड सम ऑफ टू नंबर्स आर 168। क्या हमें हमारा शो हुआ इंट या एक्स वाई? इंट इज व्हाट? इंट इज दी डेटा टाइप। एक्स वाई डेटा मेंबर, ठीक है। क्या हमें ये वॉइड वैल या फिर वॉइड डिस्प्ले शो हुआ? नहीं। हमें क्या शो हुआ? एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, यानी कि एंटर टू नंबर्स, फिर हमने एंटर किया एक्स देन वाई, फिर उसके बाद हमें शो हुई सम ऑफ टू नंबर्स आर दिस। सो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन।